इनके हिसाब से, क्योंकि सुंदर लड़कियां हमेशा गीली करनी चाहिए, गीली लड़कियां अच्छी लगती है तो गीली करेंगे। हमें भी गीला होने का बहुत शौक है भाई। ये 9 महीने जो ये खेल नहीं पाई है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही वो सारी बड़ाई हम पे निकालने वाली है लग रहा है। पूरे निकाले हैं। फ्री में जब कोई आता है तो पूरा निचोड़ के भेजो ताकि नेक्स्ट डे कोई काम ना कर पाए, हम सबको रेस्ट का मौका देते। तो पहले ये हमें गीला करेगी, फिर हमें निचोड़ेगी, फिर हमें घर भेजेगी, राइट बात है। कौन सी गेम होगी कुछ तो पहले बता देंगे, तो फिर रूट पे क्या देखोगे। गाना जैसे मैंने बताया परवा है गाने का नाम, और मैंने अपनी जर्नी तो ऑब्वियसली देखी, मैंने रश्मि की भी जर्नी देखी है। रश्मि एक सेल्फ मेड एक्टर जो बचपन से इस दुनिया में छा रही है, एंड आई थिंक वी बोथ हैड दैट लाइफ जहाँ हमें जजमेंट्स भी मिली हैं और अच्छा तो हुआ ही है लेकिन बुरा भी हुआ है। तो आई थिंक ये सॉन्ग उन सब लोगों के लिए है जो लाइफ में रहा, जो कहते हैं ना भेड़ चाल से थोड़ा अलग चलना चाहते हैं, तो इट्स लाइक अ इंस्पिरेशन फॉर देम। एट द सेम टाइम आई वुड से ये प्रीची गाना नहीं है, इट्स अ फन सॉन्ग, वी डिड इट इन द कांदिवली स्लम्स। द थॉट ऑफ द सॉन्ग इज कि लोग देख रहे हैं हमें, बट वी आर स्टिल वॉकिंग आर वॉक, टॉकिंग आर टॉक, एंड आई थिंक पीपल विल लव द सॉन्ग होपफुली। हमने अपना काम कर दिया है। आई थिंक द वीडियो, जिस तरह से वीडियो शूट किया है वो बहुत बहुत ही सुपर्ब है, बहुत बहुत अच्छा है। आई थिंक सो लुक वाइज बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा जैसे कि नेहा ने कहा, अगर वैसे भी देखने जाए, आई थिंक द जर्नी इटसेल्फ ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी वेल एंड ब्यूटिफुली शोन इन दिस वीडियो, एंड द वर्डिंग्स आर वेरी ब्यूटिफुल। इट्स ऑफकोर्स इट्स अ फीमेल सिंगर, बट मोस्टली ये बहुत एक ऐसा एटीट्यूड वाला गाना है जिससे लाइक अपनी गलतियों से भी इंसान डेफिनेटली सीख के आगे बढ़ता है, एंड आई थिंक सो इट्स अबाउट मोस्ट ऑफ द वेमेन जिन्हें एक्चुअली अगर क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट दे नेवर गिव अप, इट्स अबाउट दैट एटीट्यूड, एंड इट्स लाइक ओके आई स्टिल ट्राई एंड आई विल स्टिल। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर लोगों की बातें सुन के बैठ जाओगे, गलना फड़ के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं करोगे लाइफ में। ओके, सो आज आप खतरा खतरा शो में आए हो, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? रश्मि मैम आप फिर से आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे भारती आते रहती है बिग बॉस में बार बार, मैं खतरा खतरा पे आना छोड़ूंगी ही नहीं। We're releasing a song on the 4th, Parva hai gaane ka naam, and Lakshmi is listening to it. Parva? Parva. Kyun hai Parva batao? Tumne kya hai usse? Because hum logon ki Parva karenge to hum like karna chahte hain, kabhi Parva bhi did that by. It's a song about women empowerment, and yeah. And not only about the women empowerment, I think it's a beautiful thought. Center, center. Lakshmi ji there. कोई ना कोई आपको टोक ही देता है, सो आई थिंक यू डू व्हाटएवर इज राइट फॉर यू, यू डू व्हाटएवर इज गुड फॉर यू, एंड यू डू इट फॉर योर ओन राइट। यस, एंड रश्मि इज लुकिंग सुपर हॉट इन द वीडियो। नेहा सिंह,